पल्लवीज किचन। आज हम बनाएंगे इजी आलू टिक्की बर्गर। इसके लिए हमें चाहिए बर्गर बंस, बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोस, बॉइल्ड मटर, मेयोनीज, चीज स्प्रेड। अगर आपके पास चीज स्प्रेड नहीं है तो आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा, मिक्स हर्ब सीजनिंग। अगर आपके पास ये सीजनिंग नहीं है तो आप ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल फॉर कुकिंग। प्याज और टमाटर को हम गोल गोल काट लेंगे। क्रश्ड कॉर्नफ्लेक्स, अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। मैश पोटैटोज में हम मटर डाल लेंगे, रेड चिली पाउडर, मिक्स हर्ब सीजनिंग, सॉल्ट डालेंगे, अब इसमें हम चीज डालेंगे, इसमें मैं चीज स्प्रेड डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसकी हम टिक्की बना लेंगे। इसकी हम राउंड टिक्की बना लेंगे। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। टिक्की हमने बना ली है, इसी तरह हम सारी टिक्की को बना लेंगे। टिक्की हमने बना ली है, अब हम स्लरी बनाएंगे। एक बाउल में हम मैदा डालेंगे, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हम थोड़ा सा मिक्स हर्ब सीजनिंग डालेंगे फ्लेवर के लिए और इसको मिक्स कर लेंगे। स्लरी हमारी रेडी हो गई है, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम टिक्की को फ्राई करेंगे। अब हम टिक्की को स्लरी में डाल लेंगे, इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इसको हम कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर डालेंगे और इससे भी कोट कर लेंगे। इससे टिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसी तरह हम सारी टिक्की को कोट कर लेंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। टिक्की को हमने कोट कर लिया, अब इसको हम फ्राई करेंगे। पैन में हमने ऑयल गरम कर लिया है, अब इसमें हम टिक्की को डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। टिक्की को अब हम पलट लेंगे और दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। टिक्की फ्राई हो गई है, अब इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारी टिक्की को फ्राई कर लेंगे। अब हम बर्गर रेडी करेंगे। बर्गर बंस में हम मेयोनीज लगाएंगे दोनों साइड। बंस पे हमने मेयोनीज लगा ली है, अब इसमें हम टिक्की लगाएंगे, अनियन, टमाटो, अब इसको हम कवर कर देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। इसको हमने प्रेस कर लिया, आप देख सकते हो बर्गर कितने अच्छे बने हैं। बर्गर हमने बना लिए हैं, आप इसको जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आज की रेसिपी इजी आलू टिक्की बर्गर। मेरी और वीडियोस को सब्सक्राइब करें। प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।